तो हे व्हाट्सएप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस न्यू वीडियो में कैसे आप लोग आप अच्छे होकर अच्छे रहना भी चाहिए। तो गाइस, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि मैं लेने के पीछे पड़ा था किसी चीज़ को। तो क्या चीज़ है, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी, तो आपको दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर से कि मैंने क्या चीज़ ली है अपने लिए, जो कि मेरे को 19 साल का हूँ मैं, तो 19 साल लग गए मेरे को वो चीज़ लेने के लिए। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ रहती है वो, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक मेरा सपना पूरा हुआ है मेरी ज़िंदगी का, और अब सपने की स्टार्टअप हो चुकी है पूरे होने की, तो आपको दिखाना ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ब्लॉग बना लूँ, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये किस चीज़ में है। तो मैं अभी जाता हूँ और लेके आता हूँ क्या चीज़ ली है मैंने। तो गाइस, मैंने ली है ये चीज़, क्योंकि इस चीज़ की वजह से चेहरे में बहुत बड़ी स्माइल है मेरे। तो ये चीज़ है, तो आपको दिखाता हूँ मैं अनबॉक्सिंग करके कि क्या चीज़ है इसके अंदर। देख के तो समझ ही गए होगे ऐसे भी। तो खाली है इसे, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। होगा भी कैसे, क्योंकि जिस चीज से अपन वीडियो बना रहे हैं वो तो ये है, तो इसके अंदर कैसे रहेगा। तो गाइस, मैंने लिया हूँ आईफोन, तो इसकी खुशी जो है मेरे चेहरे में आपको साफ साफ दिख रही होगी, कितनी बड़ी स्माइल है मेरे चेहरे में। और मैं सच बता रहा हूँ गाइस कि मेरे को ना 19 साल लग गए, 19 साल का मैं हूँ। 19 साल में मैं कम से 15 साल की उम्र से मैंने इसको लेने का सपना सोचा था, तो सपना जो मेरा है वो पूरा हो चुका है। आज इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ गाइस कि मैंने ना सिर्फ 3 घंटे सोता था मैं एक दिन में। 3 घंटे अपनी, पहले 12 घंटे की जॉब करता था, सुबह 9 बजे से जाके शाम के 7-8 बजे तक की, फिर उसके बाद रात के 10 बजे फिर जाता था मैं काम में, तो आधा 3 बजे, फिर उसके बाद मैं 3 बजे के बाद आने के बाद 4 बजे सोता था, 4 बजे सोने के बाद फिर मैं 9 बजे उठ जाता था और फिर जॉब में चला। मैंने ऐसी मेहनत कर करके मैंने खुद लिया हूं। तो इंसान बोलेगा कि भाई शायद पापा के पैसे से ले ली होगी, शायद मम्मी के पैसे से ले ली होगी, घर वालों ने दिला दिया। भाई किसी ने नहीं दिलाया मेरे को, 1 रुपए का कोई ने सपोर्ट नहीं करा। जो भी लिया मैंने अपनी मर्जी से लिया, आज ऊपर से नीचे तक के कपड़े भी जो पहने ना मैंने अपनी मर्जी से और अपनी मेहनत से लेके पहने हैं। मैंने 1 रुपए घर से लेना बंद कर दिया गाइस, और मैं नहीं लेता हूँ। ये फोन भी लिया ना, तो गाइस मैंने लिया हूँ अपने पैसों से। मेरे घर वालों ने तक की मेरा सपोर्ट नहीं करा ये फोन लेने के लिए। मैं कब से बोल रहा था कि मेरे को फोन चाहिए, दिला दो, नहीं दिला रहे थे। और मेरे को एक समय में समझ में आ गया कि घर वाले नहीं दिलाएंगे, जो करना है तुम अपने दम में करना और अकेले रह के करना है। तो गाइस जिस दिन से समझ में आया ना मेरे को, मैं उस दिन से इसको लेने के लिए पीछे ही पड़ गया कि मेरे को ये चाहिए है। और मैंने देखे, मैंने उसके लिए कोशिश करी, मैंने आज लेके आ गया ये फोन। भले ही छोटा है पर है तो, मैं भी छोटा नहीं है यार, देख रहे हो। तो आओ भी थोड़ी सी इससे ब्लॉगिंग करते हैं। मेरे को अभी एक काम करना है, मेरे पास चिल्लर पैसे नहीं है, तो मैं अभी अपने जा रहा हूँ गुल्लक खोलने के लिए, जो कि बहुत छोटा हुआ और मैंने बहुत 3-4 दिन बस पैसे डाले थे उसमें सिक्के, तो वो जाते हैं उसको फोड़ते हैं अपन लेके आते हैं। तो गाइस ये रखा है अपना गुल्लक छोटा सा, इसको उठाते हैं अपन, और इसमें आवाज तो आ रही है, देखते हैं इसको फोड़ के। फोड़ देते हैं, पता नहीं कितनी चिल्लर निकलेगी, 50-100 की पता नहीं, कुछ भी नहीं निकली चिल्लर। 100-150 रुपए की तो चिल्लर होगी, आज का खर्चा तो मेरा चले ही जाएगा। फोड़ना नहीं चाहिए था मेरे को पर मैंने फोड़ दिया, पता नहीं क्यों। बैठ के गिनते हैं आप कितने रुपए निकले। गाइस 220 रुपए निकले हैं इससे, जो कि मेरा आज का खर्चा चल जाएगा। मेरे पास थे पैसे पर मैं बड़े बड़े नोट अपने नहीं फोड़ना चाहता था, तो मैंने इसलिए घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ नौटंकी तो करना है, इसलिए मैंने अपना उल्ला फोड़ दिया। ज़्यादा दिन नहीं जोड़ा था, 3-4 दिन बाद मैंने सिक्के जो पड़े रहते थे मेरे पास वो डाल लेता था मैं। तो अभी जो कि ये गंदा हो चुका है, ये साफ तो करना पड़ेगा ये निकालने के बाद, नहीं तो मम्मी आके बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली है। अभी तो मेरे घर में वैसे भी कोई नहीं है, सब लोग पता नहीं बाहर बाहर गए हैं, मैं अकेला हूँ। मैं अभी 12 बजे समथिंग सो के उठा, तो अभी मैं सो के उठा बहुत लेट सो के उठा। तो चलो अभी फटाफट अपन क्लीन कर देते हैं इसको, है ना, फिर उसके बाद इन पैसों से कुछ लेके आएंगे और कुछ बनाएंगे और पेट पूजा करेंगे, फिर सो जाएंगे। चलो तो गाइस ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। तो गाइस मैंने अपने सपने तो पूरे कर लिए हैं, आप भी अपने सपने पूरे करें। पूरे करने के लिए पहले करनी पड़ती है मेहनत, तो उसके लिए पहले आप मेहनत करें, फिर उसके बाद सपने अपने आप ऑटोमेटिक पूरे होंगे। तो आप आज ही से लग जाइए मेहनत में, है ना गाइस। चलो गाइस वीडियो को यहीं एंड कर दें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और प्लीज़ मेरा फ़ोन कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताएं।